हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में नेशनल इनकम पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें सीख ली थी। स्टूडेंट अभी तक मानो तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है, हम लोग तो बस बैकग्राउंड बना रहे हैं, हम लोग भूमिका बना रहे हैं, हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जब नेशनल इनकम का चैप्टर वाकई में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर ये जो बेसिक बैकग्राउंड्स हैं जो लास्ट क्लास में मैंने समझाई और जो आज की क्लास में मैं समझाऊंगा वो कैसे आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप सभी ने वो वीडियोस देखा और देखने के बाद कुछ चीज़ें सीखे होंगे और कुछ मन में डाउट्स आए होंगे। मैं बता दूं स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिया था। ऐसे थोड़े बहुत और बेसिक नॉलेज देने के बाद मैं आपको लेकर के आऊँगा जो हमारे डेफिनेशंस हैं नेशनल इनकम के, जो हमारे डेफिनेशंस हैं डोमेस्टिक इनकम के, और उसके बाद से फिर उनके न्यूमेरिकल्स पे। तो याद रख लीजिए, अभी जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं हम लोग छोटी बहुत इधर उधर टूटी फूटी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट चलिए आज उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम लोग और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करें। स्टूडेंट पिछली क्लास में मैंने आपको नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का थोड़ा सा अंतर समझाने का कोशिश किया था। अब स्टूडेंट मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात कही थी कि क्या सर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें एग्जाम के अंदर नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए कह दे और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए कह दे। बिल्कुल कह सकता है बच्चे, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कन्वर्जन हम सीखे। तो आज हम लोग पूरा का पूरा कन्वर्जन रूल सीखेंगे इस क्लास के अंदर। सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का ही आपसी कन्वर्जन नहीं सीखेंगे, कुछ और कन्वर्जन है जो हम सीखेंगे जो हमारे नेशनल इनकम के और उसके एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा। तो आज की पूरी क्लास कन्वर्जन रूल के ऊपर है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक डाल ले स्टूडेंट कन्वर्जन रूल। स्टूडेंट ऐसा कोई टॉपिक आपको किताब के अंदर नहीं मिलेगा, बस अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि हम लोग आज सीख रहे हैं कन्वर्ट करना, कन्वर्जन रूल। तो आपको किताब के अंदर ये टॉपिक नहीं मिलेगा, हम सीख रहे हैं बस। तो सबसे पहले बच्चे जो हम लोगों ने कल की क्लास में यानी लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने नेशनल और डोमेस्टिक का कंसेप्ट पढ़ा उसी के कन्वर्जन रूल के तहत हम नेशनल को डोमेस्टिक और डोमेस्टिक को नेशनल सिखाते हुए कुछ बेसिक्स चीजें आपको सिखाएंगे। अब स्टूडेंट लास्ट क्लास का अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा हम लोगों ने कहा था कि नेशनल उस इनकम को लेता है जो इनकम उसके, मान के चलिए जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, जो उसके अपने रेसिडेंट्स हैं वो अर्न करके देते हैं, और वो कहीं भी अर्न कर सकते हैं चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर। तो बच्चे अगर आपको नेशनल निकालना है और डोमेस्टिक, आपको मैंने क्या कहा था कि सर डोमेस्टिक वो होता है जो चाहे हमारे देश के रेसिडेंट्स हो या नॉन रेसिडेंट्स हो, अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर वो अर्न करेंगे तो फिर वो डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए स्टूडेंट, मैंने आपको कह दिया कि नेशनल आप निकालो और मैंने आपको दे दिया है शुरू में डोमेस्टिक, तो आप मुझे बताओ डोमेस्टिक के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट आप करोगे जिससे वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन रूल का सबसे पहला, नेशनल निकालना है हमको और किस चीज से निकालना है, डोमेस्टिक से निकालना है। तो मैं पहला कन्वर्जन कर रहा हूं और उसका पॉइंट नंबर ए डिस्कस कर रहा हूं आपको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने एरो भी बना दिया, डोमेस्टिक हमारे पास अवेलेबल है। अब खुद सोचिए स्टूडेंट, इस डोमेस्टिक में क्या आ करके है। स्टूडेंट क्या इस डोमेस्टिक के अंदर आप सोचना वो इनकम होगा जो हमारे रेसिडेंट बाहर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाकर के अर्न कर रहे हैं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में देश के अंदर वाले ही सारे इनकम है, लेकिन हमको तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है। तो अगर हम डोमेस्टिक के अंदर वो इनकम जो हमारे रेसिडेंट बाहर कमा रहे हैं, लेकिन है हमारे रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इनकम वहां जो कमा रहे हैं, वो इनकम जो देश के अंदर आएगी, क्या उसे अगर हम डोमेस्टिक के साथ जोड़ दें तो थोड़ा काम सही हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए मैं डोमेस्टिक के साथ
क्या ऐड करने वाला हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बच्चे एब्रॉड का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड इंडिया, विदेश, फॉरेन आप कर सकते हैं यहां पर, या फॉरेन कह सकते हैं। तो एब्रॉड का मतलब है वहां से आ रहा है, फ्रॉम। अगला जो शब्द बच्चे ये फ्रॉम पर आप जोड़ देंगे, फ्रॉम मतलब वहां से इंडिया में आ रहा है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कौन लेकर के आ रहा है, कौन लेकर के आएगा बच्चे, वो हमारे ही रेसिडेंट लेकर के आएंगे। इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा यहां पर लिखा दूं एरो करके, यहां पर मैं लिखा दूंगा तो शायद आपको ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्या ये हमारा अर्नड बाई रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट्स हैं मगर कहां पर अर्न करें बच्चे, एट आउटसाइड इंडिया, बाहर में, एट आउटसाइड इंडिया। लेकिन हम उसे नेशनल में अगर बनाना चाहते हैं तो डोमेस्टिक में वो वाले इनकम ला करके बच्चे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा चीज आप समझ गए होंगे, ओके ठीक है सर। सर लेकिन अगर आपने ये फैक्टर इनकम जो हमारे रेसिडेंट बाहर में कमा रहे हैं, आप नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में ला कर जोड़ दिए। लेकिन सर ऐसा भी तो होगा, डोमेस्टिक के अंदर जो नॉन रेसिडेंट आकर के देश के अंदर कमा रहे हैं वो भी तो लेकर के चले जाएंगे, वो तो डोमेस्टिक के अंदर घुसा हुआ है, उसे निकालो तभी तो वो नेशनल बन पाएगा, क्योंकि नेशनल कहता है कि नहीं, नॉन रेसिडेंट का हम नहीं लेंगे। तो डोमेस्टिक के अंदर वो नॉन रेसिडेंट जो देश के अंदर बनाने के कारण, कमाने के कारण जुड़ गए हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा तभी जाकर के वो नेशनल में बनेगा। तो अगला चीज जो मैं यहां पर कर रहा हूं बच्चे, मैं यहां से देखिए माइनस करूंगा, और क्या माइनस करूंगा, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बच्चे एब्रॉड का मतलब विदेश, मैंने बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, टू एब्रॉड का मतलब क्या हुआ, यानी जो हमारे देश से कमा करके ले जाएंगे बाहर, वो कौन लोग हैं, वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कमा तो यहां रहे हैं लेकिन ले जाएंगे अपने देश के अंदर, लेकिन क्योंकि देश के अंदर कमाए होंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम में घुसे हुए होंगे, लेकिन नेशनल निकालते वक्त हमें वो बाहर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये माइनस कर दिया। देखिए कितना सिंपल है, वही सारी चीज है। तो मैं इसको भी एरो करके थोड़ा सा एक्सप्लेन इधर कर दूं लाल कलर से, ये कौन है, अर्नड By non-resident of India in India, इंडिया में कमाया तो है मगर ये नॉन रेसिडेंट है, ये लेकर के चले जाएंगे, इसलिए टू एब्रॉड, यहां से टू एब्रॉड, और फ्रॉम एब्रॉड बोला था तो वहां से, फ्रॉम एब्रॉड मतलब हमारे देश में लेकर के आएंगे इंडिया के अंदर, फ्रॉम एब्रॉड। तो फ्रॉम और टू का मतलब समझ लीजिएगा बच्चे, फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है हमारे रेसिडेंट जो बाहर कमा रहे हैं वो इंडिया में लेकर के आएंगे, टू एब्रॉड का मतलब होता है बच्चे जो किसी और देश के रेसिडेंट है, हमारे लिए नॉन रेसिडेंट है, यहां से कमा करके टू एब्रॉड लेकर के जाएंगे। इसलिए डोमेस्टिक में से हम लोग जो हमारे देश के अंदर कमा रहे थे उन्हें निकाल दिया नेशनल बनाने के लिए, और जो बाहर कमा रहे हैं लेकिन है तो वो रेसिडेंट और लेकर के इंडिया में आएंगे वो ला करके हमने जोड़ दिया। ये टोटल आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक टू नेशनल, ऐसे हमारा डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बच्चे आप ये समझ गए होंगे, लेकिन इसे मैं किताबी भाषा में लिखवाऊंगा, क्योंकि किताब के अंदर कुछ और भाषा का प्रयोग करता है, तो मैं उसे और किताबी लैंग्वेज दूंगा ताकि आपको ये तो समझ आए ही आए, साथ साथ में आपको किताब की भाषा भी समझ आए। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा नीचे में कुछ एक्सप्लेनेशंस कर रहा हूं, आप उसे देखिएगा। पहले यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको कहूं सर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, आपने लिखा एक तो इनकम आ रहा है यहां पर, ये आप देख सकते हो बच्चे, आपने लिखा है सर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हाँ मैंने लिखा है, और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम लोग फैक्टर इनकम टू एब्रॉड निकाल दे इसके अंदर से, भाई कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, तो बच्चे अगर हम इसका नेट कर दे तो भी तो बात सेम रहेगा ना, फिर प्लस या माइनस कर देंगे डोमेस्टिक के साथ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इससे अच्छा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को आपस में क्यों ना बच्चे हम लोग नेट कर दे, बिल्कुल नेट कर सकते हैं। तो उसे नेट करके मैं दिखाता हूं क्या बोलेंगे हम लोग। तो नीचे आएंगे बच्चे, इसी एक्सप्लेनेशन को मैं आपको थोड़ा सा नीचे ला करके स्टार करके एक्सप्लेन करा रहा हूं, उसके बाद मैं इसी को आपको लिखा दूंगा, आप यहां स्टार करके देखेंगे, हम लोग कह सकते हैं नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड बच्चे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी बाहर से जो इनकम आ रहा है। और याद रखिएगा मैंने यहां भी लिखा है फ्रॉम, यानी मैं नेट में फ्रॉम बता रहा हूं आपको। ठीक है सर, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसको प्यार से हम लोग याद रखिएगा एन एफ आई ए भी कहा करेंगे, याद रखिएगा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग प्यार से एन एफ आई ए कहा करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि आप फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से बच्चे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मैं नीचे लिख दूं, आप इसे माइनस कर दीजिए इसके अंदर से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, आप माइनस कर दीजिए बच्चे, और फ्रॉम और टू आप समझते रहेंगे, ठीक है, फ्रॉम एब्रॉड में से अप टू एब्रॉड का फैक्टर इनकम माइनस कर दीजिए बच्चे, ये आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आप देख सकते हैं वही चीज जो मैंने यहां पर लिखाई थी उसी को मैंने थोड़ा समझाने के लिए कह दिया, क्योंकि किताबों के अंदर बच्चे आपको ये एनएफआईए का डिटेल देगा, तो इसलिए आपको एनएफआईए समझना पड़ेगा। एनएफआईए का मतलब यही वाली चीज का नेट करके आपको दे देगा किताब के अंदर, इसी पोर्शंस का, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करके फैक्टर इनकम टू एब्रॉड करके आपको दे देगा बच्चे। सर कोई बात नहीं, अब तो हम लोग समझ गए कि नेट भी दे देगा तो हम लोग कर देंगे, लेकिन अगर नेट दे दिया, अगर नेट दे दिया तो आप समझिए फिर आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक के साथ सीधे प्लस एनएफआईए कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो दूसरा अल्टरनेटिवली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ही कन्वर्जन को, देयरफॉर यहां पर और करके मैं लिख रहा हूं नेशनल को ही, यहां पर आप देख सकते बच्चे अगर हम कह दे तो नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एन एफ आई ए, यही कर देंगे आप, और इसी एन एफ आई ए के अंदर वो फ्रॉम माइनस टू हो चुका है तो सीधे ला करके अगर हम यहां पर जोड़ दे बच्चे तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया। दिस इज फ्रॉम माइनस टू एब्रॉड वाले कहानी पहले ही हो रखा है, तो किताब के अंदर आपको जनरली यही देखने के लिए मिलेगा। दिस इज फर्स्ट कन्वर्जन जो हम लोगों ने सीख लिया डिटेल में भी और ऐसे भी समझ करके। तो एक कन्वर्जन आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा बच्चे, डोमेस्टिक का नेशनल के अंदर कन्वर्जन, उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। आप एक फ्रेम में भी देख सकते हैं, दिस इज ये पूरा कन्वर्जन है, अल्टरनेटिवली हम लोगों ने लिख लिया उसको और करके। ओके, तो चलिए फटाफट से आप नोट कर लें सबसे पहले, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा बच्चे। अब वन का ही बी में बताऊंगा, बी में क्या है, अगर बाय द वे आपको नेशनल दे दे और कह दे डोमेस्टिक बना दो तो सारी कहानी बच्चे ऐसे ही चलेगी, फिर ये वापस से एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम चलेंगे। इसलिए अगर सर क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दे दे, डोमेस्टिक निकालने के लिए बोल दे और नेशनल दे दे, अब मैं वन का ही यहां पर बी कर रहा हूं और इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें चाहिए डोमेस्टिक। आप देख सकते हैं सारी कहानी वही रहेगी, फ्रॉम टू सारा कुछ सेम रहेगा बच्चे, सेम समझ करके चलना है। एक इक्वेशन अगर आपने ये फॉर्म कर लिया है तो आप अपने दिमाग से अब इसी की मदद से डोमेस्टिक इज इक्वल टू क्या कह देंगे, सर नेशनल है, इसमें से माइनस कर देंगे सर एन एफ आई ए, बस सिंपल, जैसे ही माइनस करेंगे अपना आ जाएगा डोमेस्टिक, यानी सिंपल बच्चे। आप एक अगर चीज सीख गए नेशनल को कैसे डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए करते हैं, अगर ये आपने डिटेल में ऊपर में सीख लिया तो उसी इक्वेशंस को यूज करके नेशनल माइनस एनएफआईए करेंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, यहां पर डोमेस्टिक निकल जाएगा। ये पहला कन्वर्जन था जो आपको सीख करके चल, एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल वही है बच्चे, नेशनल में से आपको डोमेस्टिक बनाना है तो नेशनल में से वो जो बाहर का इनकम है, रेसिडेंट कमा रहा है मगर बाहर का कमा रहा है, उसे निकालना पड़ेगा, प्लस नॉन रेसिडेंट जो हमारे देश के अंदर आकर के कमा रहे हैं, देश के अंदर कमा रहे हैं, इसलिए उसे जोड़ना पड़ेगा और उसका जो नेट होगा एनएफआईए का या माइनस कर दे रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट नेशनल माइनस एनएफआईए करने से सेम इंपैक्ट पड़ेगा जो कि डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। तो ये दो कन्वर्जन आप फटाफट नोट कर ले। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे अगला कन्वर्जन, तो ये कन्वर्जन चूंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था बच्चे तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मगर अब यहां से थोड़ा नया, आज का क्लास भी नया हो जाएगा और टॉपिक भी नया हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग जो कर रहे हैं कन्वर्जन, अगला करेंगे ग्रॉस और नेट का, तो मैं यहां पर अब ग्रॉस एंड नेट की बात करूंगा।
ग्रॉस एंड नेट। और क्योंकि आपने ये अभी तक सीखा नहीं है इसलिए आप पहली बार देखोगे, तो सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं नेट से ग्रॉस निकालना सिखाऊंगा कि सर ग्रॉस क्या होता है। बच्चे ग्रॉस बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है, नेट कोई भी चीज का, तो आप उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे ही आप नेट में से डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो आपका वो ग्रॉस निकल जाएगा। सर ये ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन क्या है सर, ग्रॉस और नेट? बच्चे ये सारा कुछ डिटेल में सीखेंगे, अभी हम लोग फैक्टर इनकम भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। बस आप अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को समझा लीजिए कि कुछ नेट होता होगा जिसके अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ के रखे ग्रॉस बन जाएगा। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, तो ग्रॉस बन जाएगा, बस ये अपने आपको समझा लीजिए। डेप्रिसिएशन आपको पहले से ही पता है क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स्ड एसेट्स का जो आप इस्तेमाल करते हो बच्चे, वही होता है डेप्रिसिएशन। तो फिलहाल अपने दिमाग को आप समझ लीजिएगा कि फॉर्मूला चल रहा है, हालांकि ये सारा कुछ समझना हमें डिटेल के अंदर, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो ना, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस तैयार हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के कारण हो रहा है। अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो वो ग्रॉस बन जाएगा, और ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो वो नेट बन जाएगा। तो अगला कन्वर्जन मैं यहीं पर देखिए आपको लिखवा रहा हूं, ए हमारा ये है बच्चे, ए हमारा ये है, आपने ग्रॉस बनाया, और बी देखिए मैं निकला, अगर आपको नेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ग्रॉस में से माइनस डेप्रिसिएशन कर लीजिए। इतना तो लग रहा होगा ना कि हाँ ठीक है सर, अभी डेप्रिसिएशन नहीं समझ आ रहा, ग्रॉस नहीं समझ आ रहा, सब सीखेंगे क्लास के अंदर, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ग्रॉस से तो नेट बन जाएगा, और ऐड कर देंगे तो नेट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे सर तो वो ग्रॉस बन जाएगा। बिल्कुल बच्चे, बाकी ये सारी चीजें क्या होती हैं ये सब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम लोग सीखेंगे। तो अभी तो हम लोग भूमिका बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आगे इस चैप्टर को कंसेप्चुअली स्ट्रांग करने के लिए। ये चीज सीख गए, मैंने आपको अभी अभी बोला कि हम लोग एक बात याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन को कई भाषा में बोलता है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब बच्चे वही है जो आप जानते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब वही है, क्या है, आप जितना आप एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं यानी कंजम्पशन करते हो, यानी यूज करते हो, बात वही होता है। तो मैं यहां पर दूसरी भाषा में लिख रहा हूं कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल, ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलूं बच्चे या एसेट्स बोलो, बात एक ही है। यहां पर आप आकर के वो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के तरीके समझेगा, आप करके अकाउंट वाला मत बोला सर, कैपिटल और एसेट्स तो दूसरी चीज है। बच्चे सब सिखाऊंगा, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं फिक्स्ड कैपिटल तो समझ लीजिए फिक्स्ड एसेट्स की ही बात कर रहा हूं। तो दिस इज डेप्रिसिएशन, आपको समझ करके चलना है। तो एग्जाम में आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोल देगा तो भी आप समझ लीजिएगा वो डेप्रिसिएशन ही बोल रहा है। चलिए ये भी हम लोगों ने सीख लिया, दूसरा भी। अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चे हम लोग और तीसरे कन्वर्जन की ओर बढ़ रहे हैं, दिस इज थर्ड कन्वर्जन। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा, मैं थोड़ा देर और चाहोगे तो छोड़ देता हूं, आप इसे पॉज करिए यहां पर और उसके बाद लिखिए, ठीक है। अब मैं तीसरे कन्वर्जन की ओर बढ़ रहा हूं बच्चे, और ये भी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, भूमिका में नहीं, पहली बार सुनने के लिए मिल रहा। और यहां पर जो है बच्चे वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। क्या मैं बोल रहा हूं, मार्केट प्राइस, मैं साफ लिख दूं, कई बच्चों ने शिकायत की है कि सर आपकी राइटिंग बहुत खराब है। बच्चे राइटिंग इसीलिए खराब है इसीलिए तो इतना बोलता हूं, बोलने से ताकि आपको वो शब्द समझ आ जाए। राइटिंग तो अब मैं सुधार नहीं सकता, वो भी अभी कागज पे लिखना और इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखने में बहुत फर्क होता है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बोलने से शब्द क्लियर हो जाते होंगे। मार्केट प्राइस और यहां पर क्या है बच्चे, फैक्टर कॉस्ट। तो ये दो चीज अब हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर इनके कन्वर्जन को। स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट स्टूडेंट होता है कि जब कोई सामान बनता है, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो उसका कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता होगा। बच्चे कोई भी चीज बना लिया आपने उसका कॉस्ट हो गया, लेकिन बाजार के अंदर बच्चे उस प्राइस पर उस वैल्यू पर वो सामान नहीं बिकती, बहुत सी सारी चीजें इसके अंदर एडिशंस होती है। आपको पता होगा सरकार कई प्रकार के टैक्सेस लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है उसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस लगाती है उसके ऊपर, एक्साइज टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस लगाती है बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही होते हैं वो, खूब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। अब तो बहुत सारे टैक्सेस को हटा करके जीएसटी बन गया, तो जीएसटी भी उसी का एक रूप है। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब वो फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देती है तब वो बाजार में बाजारी मूल्य पर बिकने के लिए तैयार होता है, तो दैट इज मार्केट प्राइस। यानी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्सेस, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट को देना है उस
गुड्स पर, उस सर्विसेज के ऊपर जोड़ दें, तब वो मार्केट प्राइस कहलाएगी। तो बच्चे यहां पर वही हम लोगों को करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है और मार्केट प्राइस को वापस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट प्राइस बनाना सिखा रहा हूं यहां पर, यानी ए में हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए बच्चे, ठीक है। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट दे रहा होगा, और बच्चे फैक्टर कॉस्ट दे रहा होगा तो आपको मैं बता दूं, आप यहां पे क्या करोगे, प्लस कर दोगे क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सरकार अगर आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है ना, तो बहुत सारी आपको सब्सिडीज देती भी है, यानी सरकार कुछ ले रही है तो कुछ आपको दे भी रही है, आप उस इस तरीके का प्रोडक्शन करो, ये वाला प्रोडक्शन करो, इस एरिया में प्रोडक्शन करो, तो इसके हिसाब से बहुत सारी आपको सब्सिडीज देती है। तो सरकार अगर आपसे 10 रुपया ली और आपको बदले में टैक्स के नाम पर, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर 10 रुपया ली और आपको 3 रुपये का सब्सिडीज दे दी, तो नेट में कितना टैक्स लिया सरकार ने आपसे, सिर्फ 7 रुपये। तो 10 माइनस सरकार का दिया हुआ सब्सिडीज, तो 7 ही रुपये आप मानोगे, इसके अंदर जोड़ोगे, यानी मार्केट प्राइस पर जब कन्वर्जन कर रहे हो आप, तो सरकार ने जो लिया वो जोड़ो और सरकार ने जो दिया वो घटाओ, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाने लगेगा। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जोड़ूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं नीचे इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बच्चे। ओके सर, यह चीज आपने सिखा दी। और बी, इसी का अगर हम लोग कहें बी, तो आप क्या कहोगे, सर वापस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो बहुत सिंपल है बच्चे, इसी मार्केट प्राइस में से आप घटा दो, फिर आपके पास मार्केट प्राइस होगा अवेलेबल, और मार्केट प्राइस में से आप माइनस कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बस जैसे ही माइनस करोगे आपके पास फैक्टर कॉस्ट निकल करके आ गया, एकदम सिंपल। ठीक है सर, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी नीचे लिखवा दो सर, तो फिर हमें आसानी हो जाएगी समझने में। आइए यहां पे मैं लिख दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम लोग प्यार से अब NIT बोला करेंगे, प्यार वाला नाम भी देते रहना है हम लोग को बीच बीच में इसके अंदर। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, ये दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज तो जो भी गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिल रही है आप उसे घटा देंगे। बच्चे एक बात और मैं यहां पे लिख दूं, कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है, सर इनडायरेक्ट टैक्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करा दो। तो बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे आपका एक्साइज, जैसे आपका GST, तो इस तरीके के जितने भी होते हैं वो सब होंगे अदर इनडायरेक्ट टैक्स। इसे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, आगे बहुत सारे चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर सीखना है, तो वहां पर और इनके खूब सारे एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है बच्चे, आइए यहां पर, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, एक फ्रेम में आप देख सकते हैं यहां पर, तो इसे भी आप नोट कर ले बच्चे। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में सर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन सीखा, नेशनल से डोमेस्टिक बनाना, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना, चलो ठीक है। अगला चीज जो हम लोगों ने सीखा सर, ग्रॉस को नेट बनाना, नेट को ग्रॉस बनाना, चलो ये भी ठीक है। और आगे जो हम लोगों ने सीखा सर, वो हम लोगों ने सीखा फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो हमें कन्वर्जन सीखने थे बच्चे, आज मैंने आपको सिखा दिया। निश्चित तौर पे इसके अंदर आने वाली बातों पे डिस्कशन और होना है, जैसे फैक्टर इनकम के ऊपर, जैसे डेप्रिसिएशन के ऊपर, जैसे टैक्सेस के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर। लेकिन अगर कहें तो हम लोगों ने अब हल्का फुल्का जान पहचान इस चैप्टर से कर लिया है, तो जैसे ही इस चैप्टर के डेप्थ में हम लोग जाएंगे, वैसे ही आपको फिर ये नहीं लगेगा कोई नया चैप्टर है, तब जाना पहचाना सा लगेगा, और जाना पहचाना सा लगने के कारण बच्चे ये आसान भी हो जाएगा तब हम लोग को सीखना। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी बच्चे ये तीनों के तीनों कन्वर्जन अपने दिमाग में आज प्रैक्टिस कर करके लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, ये पूरा का पूरा कन्वर्जन रूल मैं आज अपने एप्लीकेशन पर शाम 6:30 बजे तक, यानी जैसे 5:30 से 6:30 में ये क्लास खत्म होगी, 6:30 बजे बाद जा करके आप ले सकते हो। मैं बैच अनाउंसमेंट में पहले ही दे दूंगा, मगर अगर आपको वीडियोस देखने से पहले वो नोट्स नहीं मिले तो आप जा करके 6:30 बजे यही सेम टू सेम सारे कन्वर्जन रूल आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के और डेप्थ में अगली क्लास के अंदर बढ़ेंगे बच्चे। टिल देन टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है बच्चे, तो अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी क्लास 12th में इंटरेस्टेड हैं या जो भी ये चीजें सीखना चाहते हैं उन तक शेयर करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।